हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के हेल्प से क्यूब रूट किसी भी नंबर का। तो पहली चीज़ हम ये समझेंगे और सेकेंड ये समझेंगे कि मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का डेरिवेशन क्या है, मींस व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। मतलब कैसे हम ये अप्लाई करते हैं और हमारा क्यूब रूट निकल जाता है केवल सब्ट्रैक्ट करने से सक्सेसिवली। पहले समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो आपको जो है कोई नंबर दे देगा ए और कहेगा कि फाइंड द क्यूब रूट। तो आप क्या करोगे कि इस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मेथड जो है इसका यूज करके आप फाइंड करोगे इसका क्यूब रूट। इस ए का हम यदि क्यूब रूट निकालें, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं इस तरीके से हैं, मीन्स रूट के अंदर ऐसा लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 3। तो ये बताता है कि क्यूब रूट निकाला गया है ए का। अब हम फाइंड करेंगे ए का क्यूब रूट, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि हमें ए में से क्या करना होगा, ये जो ए नंबर है यहाँ पर, इस ए में से हमें सक्सेसिवली कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और ये देखना है कि लास्ट में जो है सब्ट्रैक्ट करते 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 ये जो ए जीरो हो जाता है या नहीं, मीन्स तब हमें किन नंबर्स को सेपरेट करना है इसमें से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें सेपरेट करना है 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 179, 271, 371, 331, and 397... तो ये सब जो नंबर्स हैं यदि इनको हम सक्सेसिवली ए में से माइनस करेंगे तो लास्ट में मैंने कुछ स्टेप्स के बाद रिजल्ट जीरो आएगा। यदि रिजल्ट जीरो आता है तभी कहेंगे कि ए जो है परफेक्ट क्यूब है और इसका हम क्यूब रूट निकाल पाएंगे। मतलब जितनी बार आप ए में से सब्ट्रैक्ट किए रहेंगे वही नंबर होगा जो इसका क्यूब रूट होगा। ए में से यदि माइनस वन करूँ तो कुछ आएगा यहाँ पर बी। अब यदि बी में से माइनस करूं हम मैं 7, ऐसे करना है आपको। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पे सी आ गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद जो सी में से माइनस करेंगे 19, मीन्स सक्सेसिवली आपको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे मान लीजिए डी आ गया, बिल्कुल डिफरेंट नंबर आएगा जो माइनस करेंगे तो। और ये है आपका थर्ड स्टेप। फिर आपने क्या किया कि डी माइनस 37 किया और आपका जो रिजल्ट है वो जीरो आ गया। यदि जीरो आ जाता है तो आप कहोगे कि ये फोर्थ स्टेप में आया है ना, 1, 2, 3, 4, चार बार ये माइनस करने के बाद सक्सेसिवली आपका जीरो आ गया। तो आप कहोगे कि क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। बस ये आपको देखना है कि कितने स्टेप्स में जीरो आया है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो हम लेते हैं 64, ए इज इक्वल टू, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू 64। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिवली सेपरेट करेंगे 64 में से ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। तो पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 7, फिर 19, फिर 37, लाइकवाइज जब तक कि ये 0 ना हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। 64 माइनस 1 मिलेगा आपको 63, ए आपका बी है। नाउ 63 में से माइनस करेंगे 7, तो यहाँ मिलेगा 56। अब क्या करेंगे, 56 में से माइनस करेंगे 19, तो क्या मिलेगा आपको 37। अब 37 से माइनस करेंगे 37, यहाँ पर देखिए 37 से माइनस करेंगे 37, 0 आ जाएगा। तो हमारे किस स्टेप में 0 आ गया, ये है फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो चौथे बार में ये जीरो आ गया, दैट्स वाई हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है प्रोसेस का, ये समझ गए कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए हम बस बता दिए आपको कैसे यूज़ करते हैं इसको और कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट किसी नंबर का। अब चलते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, मींस ये जो नंबर्स लिखा गया है ये कहाँ से नंबर्स आए हैं, मतलब ऐसे ही अपने मन से इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये समझते हैं कि ये नंबर्स कहाँ से आए, आखिर ये क्यों हम कर रहे हैं डेरिव। ओके, आर यू एक्साइटेड टू जस्ट गो, चलिए चलते हैं। ओके, तो समझते हैं यहाँ पर कि कैसे ये नंबर्स आए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए जीरो का यदि हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा डेफिनेटली। वन का यदि क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, वन आएगा, यस। यदि टू का क्यूब करते हैं
तो हमारा आएगा 8। तो लाइकवाइज हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स का क्यूब कर लेना है, तभी हम इसको डिराइव कर पाएंगे, तभी आपको दिखा पाएंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेट अस राइट ऑल क्यूब्स फ्रॉम 0 to 14 ऑलमोस्ट या 12। अब इसके बाद जो है हम कर देते हैं डॉट डॉट डॉट, आप मतलब इन्फाइनाइट तक क्यूब कर सकते हैं, राइट। समझिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो 0 और 1 आया है यह सक्सेसिवली क्या किया मैंने, यहाँ पर क्यूब निकाले हैं नंबर्स का 0 से लेकर के 12 तक। जो भी ये नंबर्स आए हैं हम निकालेंगे अब कंजुकटिव दो नंबर्स के डिफरेंस, जैसे कि 1 और 0 का डिफरेंस क्या होगा, तो 1 माइनस 0 करना पड़ेगा। डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, दैट इज डिफरेंस। तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 1, राइट। अब जो है 1 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 1 और 8 के बीच में जो है डिफरेंस है 7। अगेन 8 और 27 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, तो माइनस करें 27 माइनस 8 19। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर डिफरेंस निकालने पर क्या आ रहा है, 1719 आ गया। अब लाइक वाइज हम सबका निकाल लेते हैं पहले, ओके। तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां जो आया है 0 और 1 का डिफरेंस 1 है, 1 और 8 का डिफरेंस 7 है, 8 एंड 27 का डिफरेंस जो है यहाँ पर आया है 19, 27 64 का डिफरेंस 37, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 125 एंड 216 का जो डिफरेंस है वो है 91, 216 343 का डिफरेंस 127, 343 एंड 512 का डिफरेंस जो है 169, एंड 512 729 का डिफरेंस जो है 217, एंड आफ्टर दैट 729 और 1000 डिफरेंस है 271, एंड लाइकवाइज हमने यहाँ पर कर लिया है यहाँ तक। और ये सारे जो डिफरेंस हैं जो रिस्पेक्टिव क्यूब्स में आए हैं, मतलब 0 से लेकर के हमने 12 तक का क्यूब लिखा है और उनके कंजुगेटिव डिफरेंस जो आ रहे हैं वही आपके ये नंबर्स हैं जो हम कंजुगेटिवली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में से। तो अब यहाँ समझना ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो मतलब क्या हुआ इसका डिफरेंस का, मतलब 0 और 1 के बीच में डिफरेंस है 1, तो मतलब क्या, मतलब समझ नहीं पाया हम। तो इसका मतलब समझिए यहाँ पर क्या ये कह रहा है। तो हमको देखना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगते हैं, तो 0 और 1 के बीच में जाने में कितना लगेगा, 0 1 एक ही बार में चला जाएगा 1, है कि नहीं। यदि आप केवल इंटीजर्स को काउंट करते हैं यहाँ पर, तो 0 और 1 को जंप जाने में क्या लगेगा, 1 स्टेप। और 1 से 8 तक जाने में कितने स्टेप लगेंगे, देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब कि 7 टाइम्स में आपको जाना पड़ेगा 1 से 8 तक। तो जो स्टेप्स लग रहे हैं उनको काउंट करिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ स्टेप्स, रुकिए राइट। तो यहाँ पर हम जाएंगे 1 स्टेप और यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर कितने स्टेप हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर एक ही है, 0 के बाद 1 आ जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे 1 से 8 में जाने पर क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा तब 8 तक आ पाएंगे। और 8 के बाद जाने पर तो हम यहाँ पर यदि काउंट करेंगे तो ये 19 आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो 1 से 8 तक जाने में लग रहे हैं 7 स्टेप्स, 8 से 27 में जाने पर 19 स्टेप्स, और फिर 27 से 64 जाने में 37 स्टेप्स। लाइकवाइज आई एम नॉट गोइंग टू राइट दीज स्टेप्स क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, समझिए ध्यान से। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, मतलब कि जो नंबर्स आए हैं वो डिफरेंस है सक्सेसिव नंबर्स के क्यूब का। तो यहाँ पर यदि किसी नंबर का यदि आप निकालते हैं क्यूब रूट, जैसे कि 5 क्यूब का निकालते हैं, जैसे 125 दे दिया और बोल दिया कि 125 का क्यूब रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे स्टेप्स हैं, जो डिफरेंस हैं। तो 125 में पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, यहाँ से 1 से, तो माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 124।
आप देख रहे हैं जीरो आ गया, तो कितने स्टेप्स में जीरो आया, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स में ये जीरो आ गया। तो हम कहेंगे कि क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 5। तो यहाँ पर क्यों जीरो हो गया ये हम ये समझते हैं। तो हमने यहाँ पर जो 125 में से माइनस करना स्टार्ट किया, वो वही माइनस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे डिफरेंस हैं, इन्हीं सबको तो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। तो यदि इन सबको सम करके 125 में माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 125 ही आएगा। तो मतलब कि जब जीरो तभी हो पाएगा, कहने का मतलब है कि 125 के जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो सारे डिफरेंस हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इन डिफरेंस को यदि आप माइनस करोगे 125 में से तो बिल्कुल जीरो ही आना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, क्योंकि आप यदि कोई दूसरा नंबर लोगे, जैसे मान लो कि 124 लेते हो, जैसे 125 ना लेकर के 124 का आप क्यूब रूट निकालते हो, 124 का क्यूब रूट, तो यदि आप सक्सेसिवली ऐसे सेपरेट करोगे आप, तो यहाँ पर 61 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा 60, और 60 में से 61 माइनस करोगे तो जीरो नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप कहोगे कि 124 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से क्यूब रूट इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है उसके हेल्प से बना हुआ है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे बना, क्या हो रहा है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर टाइम। बाय।